हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू सुबर पाएस एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर न्यूज़ एनालिसिस तो आज फोर्थ जनवरी है और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है हम उसको डिस्कस करेंगे तो सबसे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ उन लोगों के लिए जो लोग प्रोफेशनल हैं जो लोग वर्किंग हैं और यू एग्ज़ाम में अपियर होना चाहते हैं तो उनके साथ दिक्कत ये होती है कि समय की बहुत कमी होती है उनके पास वो तो पढ़ना तो चाहते हैं जील भी होता है बट दे डोंट हैव टाइम टू स्पेंड इन यू पी सो ऐसे लोगों के लिए अगर वो रेगुलर बैच को नहीं ज्वाइन करना चाहते हैं लेकिन वो चाहते हैं कि वो प्रिपरेशन करें क्लासरूम प्रोग्राम में जाएं तो उनके लिए हमारे पास वीकेंड बैच है बट इट इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द अदर वीकेंड बैच मैं ये कहना चाहूँगी अश्योर करना चाहूँगी क्योंकि इसमें आपका जो आपका जो प्रिपरेशन चलती है मंडे टू फ्राइडे हम उसका भी ख्याल रखते हैं और वो पर्सनल गाइडेंस के थ्रू रखा जाता है तो मंडे टू फ्राइडे आप जो भी काम करते हैं खुद में पढ़ते हैं सेल्फ स्टडी करते हैं वो आप अपने कोच या मेंटोर को बताते हैं थ्रू द पर्सनल गाइडेंस अब उसमें आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं मेल कर सकते हैं उनको या फिर फ़ोन पे बात कर सकते हैं एनी मीन्स यू कैन कनेक्ट विद विद योर कोच और अगर आप आसपास में ही रहते हैं समय थोड़ा अधिक है तो आप आकर के ऑफिस में मिल भी सकते हैं उनसे हेल्प ले सकते हैं जो टाइम मैनेजमेंट डायरी है उनके थ्रू ऑन द अदर हैंड सैटरडे संडे को आपका बैच चलता है जिसमें आपको क्लास में पढ़ाया जाता है बाई द एक्सपीरियंस टीचर जो वहाँ पर जनरल स्टडीज़ वगैरह मॉडर्न इंडिया जोग्राफी पॉलिटिक्स की क्लास हो लेते हैं तो दो लेवल पर आप काम करोगे इसमें एक जो आपके कोच होंगे जो मेन्टोर होंगे ही विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर यीपरेशन तो वीक डेज में भी अगर पढ़ते वक्त कोई समस्या आती है कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपने कोच से बात कर सकते हैं तो ये कुछ इन्फॉर्मेशंस थी और अब हम लोग करेंट अफेयर्स के डिस्कशन पर चलते हैं तो जो पहला डिस्कशन है जो पहला न्यूज़ है वो है अभी एम ओ यू साइन हुआ है यूएसए और इंडिया के बीच में आपको याद होगा ग्लोबल समिट हुआ था 2017 में हैदराबाद में बहुत इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना पड़ेगा उसी पर ये साइन हुआ है और इसका जो पूरा उद्देश्य था वो इंटरप्रीनियर्स को बढ़ावा देने का था इट प्रोवाइड्स एक्सलेंट अपॉर्चुनिटी टू इंटरप्रीनियर्स एंड इन्वेस्टर्स टू हैव मीटिंग ग्लोबल इंडस्ट्री लीडर्स एंड नेटवर्किंग सेशंस। तो जितने भी लोग हैं इंटरप्रनियर्स हैं इन्वेस्टर्स हैं उनको इकट्ठा किया गया था उनमें बातचीत की गई और इस पूरे नेटवर्क को और बढ़ाने की बात कोशिश की गई बात की गई इसमें खास करके वुमेन पे बहुत ध्यान दिया गया था तो आपको याद होगा इस पर हमने डिस्कस किया था कि इसमें जो डेलीगेट्स आए थे उसमें फिफ्टी परसेंट से ज़्यादा डेलीगेट्स महिलाएं थीं वुमेन्स थी तो वुमेन्स के इंटरप्रेनियर्सिप में आने को बढ़ावा दिया गया था और साथ ही साथ जो यंग जनरेशन के लोग हैं जो अपना बिजनेस क्रिएट करना चाहते हैं स्टार्टअप में लेके आना चाहते हैं उनको हेल्प किया गया तो ये जो पूरा समिट था इट ऑल डेडिकेटेड टू द एंटरप्रन्योर्स तो याद रखिएगा और इंडिया में हुआ इस वजह से क्वेश्चन बनेगा यहाँ से नेक्स्ट था शे कमेटी तो ये भी इम्पॉर्टेंट है शे कमेटी पहला क्वेश्चन तो यही बनता है किस चीज़ पर गठित हुआ है ये तो जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है उन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया था इस कमेटी को जो चेयरमैनशिप इनमें ली गई थी लेफ्टिनेंट जनरल डी बी शेकातकर की इसकी वजह से इसको शेकातकर कमेटी बोला जाता है तो देखिए इसमें टोटल 99 नाइन रिकमेंडेशन दिए गए इस कमेटी के द्वारा और उसमें 65 फाइव ऐसे रिकमेंडेशन थे जिनको कि अप्रूव किया गया डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा तो आर्मी में इंडियन आर्मी में क्या क्या और बदलाव होना चाहिए कहाँ कहाँ पे उनको हेल्प की जानी चाहिए सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव लाने की आवश्यकता है ये इसमें कहा गया दैंड इट रिफॉर्म विल भी कम्प्लीटेड इन ऑल रिस्पेक्ट बाई दिसंबर टू थाउजेंड नाइनटीन तो जो सिक्सटी फाइव रिकमेंडेशन को माना है डिफेंस मिनिस्ट्री ने उनका यह टारगेट है कि दो हज़ार उन्नीस दिसंबर तक उसको इम्प्लीमेंट कर दिया जाए रिफ़ॉर्म में शामिल कर लिया जाए एंड द कमीटी हैड सजेस्टेड दैट इफ़ दीज रिकमेंडेशन आर इम्प्लीमेंटेड ओवर द नेक्स्ट फाइव ईयर्स इट कैन रिजल्ट इन सेविंग अप टू रुपीज ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ इन डिफेंस एक्सपेंडिचर तो इकोनॉमिकल एक्सपेक्ट भी देखा जा रहा है कि जो रिफॉर्म इसमें सुझाया गया है जो बातें की गई हैं उसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो टोटल ट्वेंटी फाइव थाउजेंड करोड़ का बेनिफिट हो सकता है सेविंग्स हो सकती है डिफेंस मिनिस्ट्री की डिफेंस uh, एक्सपेंडिचर में एंड uh, क्या क्या बातें इम्पॉर्टेंट है, है इसमें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात की गई है परफॉर्मेंस ऑडिट की बात की गई है एंड जॉइंट सर्विसेज वॉर कॉलेज मतलब एक ऐसा कॉलेज होना चाहिए जिसमें कि मिडिल लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं उनको ट्रेनिंग दी जाए तो उसके लिए भी बात की गई है बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्लीज़ uh, इसको याद रखेंगे नेक्स्ट न्यूज़ है साइंटिस्ट आइडेंटिफाई फोर न्यू बॉल्सम स्पेसीज देखिए मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूँगी कि ये जो हमारा आता है डेली न्यूज़ एनालिसिस वो हमारे अपने स्टूडेंट्स के लिए ही आता है लेकिन हाँ ये आपको भी बहुत हेल्प करता है मुझे इस बात की बहुत खुशी है लेकिन आज जब मैंने यहाँ पे क्वेश्चंस पूछा अपने स्टूडेंट्स से तो मैंने ये पाया कि लोगों को याद ही नहीं रहता जैसे ट्वेंट थर्टी फर्स्ट दिसंबर का न्यूज़ उनको नहीं याद है ट्वेंटी सिक्स दिसंबर का न्यूज़ उनको नहीं याद है तो ये जो प्रलिम्स वाला हम डिस्कस करते हैं ये आपको याद रखना ही पड़ेगा हम लोग उन काफ़ी ऑब्जेक्टिवली डिस्कस करते हैं इसको कौन सा जो स्पेसिस है कहाँ पाया गया है किस सीज़न में देखा गया इनडेंजर्ड है या वलरेबल है तो अगर आपको ये चीज़ें याद नहीं रहेंगी तो कल के डेट में बहुत दिक्कत हो जाएगी आपको जून तक तो कुछ याद ही नहीं रहेगा फिर तो यहाँ पे तो हम स्टूडेंट से मिल पाते तो हमें पता लग जाता है कि वो पढ़ के आए हैं या नहीं उन्होंने याद किया है या नहीं बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप ऐसी गलतियाँ ना करें अगर आपको कोई ऐसे सुपरवाइज़ करने वाला नहीं है तो आप खुद को सुपरवाइज़ कर सकते हो आप खुद की हेल्प कर सकते हो तो इसलिए बेहतर है कि आप ये जो प्रिपरेशन है उसको इतने अच्छे से करें कि आपको प्रॉब्लम ना हो खास करके आप भूले ना चीज़ों को तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको याद करने की टेक्निक सीखें कुछ कोड वर्ड होता है कुछ वोकेबलरीज़ होता है जैसे कि हमें हम याद कर सकते हैं तो खैर आज का न्यूज़ देख लेते हैं साइंटिस्ट आइडेंटिफाई फ़ोर न्यू बॉसम स्पेसीज तो हमने पहले भी डिस्कस किया है कि बॉसम स्पेसीज अरुणाचल प्रदेश में देखे गए हैं चार नए तरीके के स्पेसीज पाए गए हैं और ईस्टर्न हिमालयास से जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी आ सकता है कि ऑप्शन में अरुणाचल प्रदेश ना देखा कि ईस्टर्न हिमालयाज होगा तो आपको उस पर टिक करना है कि जो न्यू स्पेसीज और बॉल्सम देखे गए हैं वो ईस्टर्न हिमालयाज में देखे गए हैं इनको कॉमनली ज्वेल वीड्स भी बोला जाता है तो कंफ्यूज मत होना आप लोग ज्वेल वीट्स बॉल्सम स्पेसीज ही है इसको ज्वेल वीस इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें कई तरीके के कलर्स पाए जाते हैं जो फ्लावर्स होता है उसमें डाइवर्सिटी होती है उनके कलर्स में इसी वजह से बॉल्सम बोला जाता है या ज्वेल वीस बोला जाता है और ये कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं तो ईस्टर्न हिमालयाज वेस्टर्न घाट और श्रीलंका साउथ ईस्ट एशिया इन सारे रीजन में ये फैले हुए हैं एंड जीनस इज कॉल्ड इम्पेश्स तो इनको इम्पेश्स भी बोला जाता है सिग्निफाइंग द इम्पेश नेचर ऑफ़ द है वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ टूडे डब्ल्यू एच ओ ओके इज भारत बायो टाइफाइड शॉट बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सबसे पहले तो टाइफाइड की जो वैक्सीन है वो डिस्कवर कर दी गई है और डब्ल्यू एच ओ ने उसको रिकोगनाइज uh, भी कर लिया है तो भारत बायोटेक नाम से जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने डेवलप किया है इस वैक्सीन को दैट इज़ कॉल्ड टाइप बार टाइप बार टाइफाइड कॉन्जोगेट वैक्सीन याद रखिएगा और डब्ल्यू एच ओ की तरफ से इसको अप्रूव भी कर दिया गया है इसकी क्लिनिकल टेस्टिंग हो चुकी है अप्रूव हो चुका है और इंटरनेशनल हेल्थ मेट्रिक्स एंड इवेलुएशन आई एच एम ई इन्होंने एस्टिमेट किया था एक डाटा यहाँ पे आप इसका यूज़ कर सकते हो That in 2016 there were approximately 12 million cases of typhoid fever, resulting in around 1 lakh वन लैख थर्टी तो एक डाटा है अगर आप कभी आंसर में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है आई इन्होंने एस्टिमेट किया था कि दो में एक लाख तीस हज़ार लोगों की मौत हुई थी इस टाइफॉइड की वजह से टाइफाइड फ़ीवर की वजह से तो काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है इससे एंड टाइफॉइड फ़ीवर होता कैसे है तो ये बैक्टीरियम सेलमोना जो बैक्टीरियम है साल मोनेला टाइफी दैट इज एस टाइफी इसकी वजह से होता है मतलब बैक्टीरिया की वजह से होता है और बैक्टीरिया का नाम क्या है एस टाइफी का नाम है इसकी वजह से टाइफाइड फीवर होता है विच इन्फेक्ट्स ह्यूमन ड्यू टू द कंटामिनेटेड फूड एंड ब्रेवरेज फ्राम द सीवेज एंड अदर इन्फेक्टेड ह्यूम्स तो अगर कोई इन्फेक्टेड ह्यूमन है टाइफॉइड से तो उससे भी हो सकता है या फिर जैसे गंदगी की वजह से फैलता है ये गंदा खाना या कंटेमिनेटेड फूड खाने से भी टाइफॉइड फीवर हो जाता है तो इम्पॉर्टेंट है याद रखना है कि इसकी वैक्सीन अवेलेबल है और इंडिया के जो ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है भारत बायोटेक उन्होंने इसको बनाया है ठीक है नेक्स्ट न्यूज़ है टेलीकॉम पॉलिसी टू थाउजेंड एटीन से जुड़ा हुआ तो ये भी इम्पॉर्टेंट है और इसका जो उद्देश्य है वो है कि इंडिया को जो 5G टेक्नोलॉजी है वहाँ से कनेक्ट करना तो न्यू टेलीकॉम पॉलिसी इज़ लाइकली टू बी अनाउंस्ड बिफोर मार्च 2018 2018 एटीन दो से पहले पहले तक का प्लान है कि इसको अनाउंस कर दिया जाए इसको इम्प्लीमेंटेशन में ले आया जाए और इसका जो कुछ की एरिया है वो है पहला तो इसके दो गोल हैं एन के जो नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी है दो थाउजेंड दो गोल हैं पहला है फैसिलिटेट डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज टू अचीव इंक्लूसिव सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ इन द कंट्री कि कम्युनिकेशन के माध्यम से कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को और इन्वांस करके एनहांस करके सोशो इकोनॉमिक ग्रोथ को डेवलप करना लेकर के आना कंट्री में दूसरा है टू प्रपेल इंडिया टू बिकम द फ्रंट रनर इन द फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का चौथा फेज चल रहा है फोर्थ फेज चल रहा है उसमें इंडिया को प्रपेल करना आगे बढ़ाना इसका ये ट्विन गोल है जिसको उसको अचीव करना है एंड दिस पॉलिसी वुड सेट अप द मिशन एंड ऑब्जेक्टिव टू अकॉम्प्लिड बाय द एंड ऑफ द कैलेंडर ईयर 2022, तो 2022 तक का टारगेट है जब इसको इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है और इसको रन करने की बात की गई है एंड द डेड लाइन फॉर द रिटर्न कमेंट मेट इसका एक और भी ऑब्जेक्टिव है जिसको हम अपने मेंस के आंसर में लिख सकते हैं कि देखिए जो आजकल इंटरनेट ऑफ थिंग्स है या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है अगर वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है बहुत स्पीड में है तो उसके हिसाब से हमें भी अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को और एडवांस करना पड़ेगा साथ ही साथ जो ई e गवर्नेंस है आप देखते हैं कि पूरा डिजिटलाइजेशन हो गया है इंडिया में भी खास करके जब से डीमोनिटाइजेशन हुआ या फिर जनधन योजना आया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात की गई तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक अच्छा कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो हमारा जो नेटवर्किंग सिस्टम है बहुत अच्छा हो ताकि फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी हमें मदद मिले तो इसके कई एस्पेक्ट्स और भी हैं और आपको इसको डिटेल में पढ़ना है सब्जेक्टिवली पढ़ना है क्योंकि मेन्स के लिए ये क्वेश्चन प्रपेयर हो जाएगा सेंटर अप्रूवस रुपीज फाइव करोड़ इतना अप्रूव किया गया है वाटर वे प्रोजेक्ट के लिए तो वाटरवेज जो फर्स्ट वाटरवे है जिसको जल मार्ग विकास प्रोजेक्ट भी बोलते हैं वो कहाँ से कहाँ तक किया गया आपको पता है कि उत्तर प्रदेश से लेकर के वेस्ट बंगाल तक तो उत्तर प्रदेश है बिहार झारखंड राज्यों में एक्सटेंड किया जाएगा इस नेशनल वाटर वे वन को और इसमें जो जगह शामिल है उसमें वाराणसी है गाजीपुर वैशाली पटना बेगूसराय मुर्शिदाबाद पाकुर हुगली और कोलकाता तो याद रखिएगा इन जगहों को भी और राज्य को भी तो इसमें आपको पता होगा कि वर्ल्ड बैंक भी फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है और अभी हमारी कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया है तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी इसमें फंडिंग हो रही है एंड द प्रोजेक्ट विच इज एक्सपेक्टेड टू बी कम्प्लीटेड बाई मार्च टू विल प्रोवाइड ऑल्टरनेटिव मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड विल बी एनवायरमेंट फ्रेंडली सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो तो 2023 तक कंप्लीट होने का टारगेट रखा गया है लेकिन ये एक ऑल्टरनेट हो जाएगा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के लिए और दूसरा एनवायरमेंट फ्रेंडली होगा सबसे बड़ी बात ये है तो बहुत इंपॉर्टेंट है वाटरवे प्रोजेक्ट और वाटर वे वन के साथ साथ कई और प्रोजेक्ट है जिसका नाम आपको याद रखना है कि कहाँ से कहाँ तक वाटरवे बनाए जा रहे हैं एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स अमेंडमेंट बिल 2017 आपने मेंस में भी इसको डिस्कस किया हुआ है पहले कई बार आर्टिकल्स बनाए हैं इस पर तो लोकसभा ने पास कर दिया है इस बिल को जो 2017 में आया है और अभी अमेंडमेंट लाया जा रहा है जो आमसार एक्ट 1958 का है उसमें तो जो एनशियट मॉन्यूमेंट एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स रिमेन्स एक्ट है 1958 का उसमें कुछ बदलाव किया जा रहा है तो जो 1958 का एक्ट है वो कहता है दैट प्रोवाइड्स फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ एनसियन एंड हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स एंड आर्कोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस इट प्रोवाइड्स फॉर द रेगुलेशन ऑफ आर्कोलॉजिकल एग्जीकर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ स्कल्पर एंड काविंग दोजेक्ट्स जो हमारे एंसियंट मोन्यूमेंट्स हैं जो आर्कोलॉजिकल साइट्स हैं एग्जीकर्वेशन है उसको प्रोटेक्ट करना इसका उद्देश्य होता है और इसमें एक बात कही गई थी कि एक प्रोहिबिटेड एरिया डिसाइड किया गया था एरिया में नहीं होगा जो सौ मीटर तक रेंज में आता है मतलब कोई भी कहीं पे साइट से मान लीजिए ताजमहल ताजमहल है 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 तो एक साइट बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए आ, तो उनके 100 मीटर के में कोई भी आ, जो वर्क है कंस्ट्रक्शन वर्क है वो नहीं होगा क्योंकि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क से उस बिल्डिंग पे इफेक्ट पड़ता है वहां पर जो दरारें आ जाती है बहुत तरीके की दिक्कतें वहाँ पर हो जाती हैं तो इस वजह से प्रोहिबिटेड एरिया डिसाइड किया गया था इट डज नॉट परमिट कंस्ट्रक्शन इन सच प्रोहिबिटेड एरिया इवन इफ इट इज इट इज फॉर पब्लिक

परमिट किया जा सकता है और पब्लिक वर्क जो डिफाइन किया गया है इट इंट्रोड्यूस द डेफिनेशन विच इंक्लूड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज फाइनेस एंड कैरिड आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर पब्लिक परपजेस तो ये काफ़ी uh, कंस्ट्रक्शन को ओपन करने की बात कर दी गई ना कि आपको अगर आप किसी भी चीज़ को फिर लॉजिक से प्रूव कर सकते हो कि वो जो काम हो रहा है कंस्ट्रक्शन हो रहा है वो पब्लिक पर्पस की वजह से हो रहा है या फिर इसमें अगर सेंट्रल गवर्नमेंट फाइनेंस कर रही है सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है तो वो एक पब्लिक वर्क हो जाएगा तो ये जो है आगे चल करके काफ़ी इसको जो पब्लिक मोन्यूमेंट्स हैं उनको सॉरी जो एंशंट मोन्यूमेंट्स हैं उनको ख़तरे में डाल सकता है क्यों द बिल ऑल्सो एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू अलाउ पब्लिक वर्कस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी तो अगर एन एन एम ए का जो भी उनकी अथॉरिटी उनकी रिकमेंडेशन मिल जाते हैं तो वहाँ पे कोई भी काम हो सकता है तो ये जो है काफ़ी दिक्कत वाली बात है इस वजह से इसका काफ़ी अपोज हुआ था बट लोकसभा में इसको पास कर दिया गया है देखिए अगर ये राज्यसभा से भी पास हो जाता है तो इट विल बिकम एन एक्ट तो देखते हैं क्या होता है और तो कल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट पहला स्टेटमेंट था ऑल द फोर प्लान बिलोंग टू द्लास ऑफ एग्जो प्लान एज अ हॉर्ट जुपिटर डिस्कवर्ड बाई एच टी साउथ टेलीस्कोप बिल्कुल सही स्टेटमेंट था ये और दूसरा स्टेटमेंट था किस फिफ्टी बीज द स्मॉलेस्ट एंड लीस्ट मैसेव एलियन वर्ल्ड ऑफ ऑल ऑफ द न्यूली डिस्कवर्ड एग्जो प्लैनेट दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही दिए हुए हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो प्लीज कोई याद कर लें नेक्स्ट क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑर ट्रू अबाउट भीतर करिका नेशनल पार्क ये ईजी लगता है सुनने में बट क्वेश्चन में थोड़ा सा स्टेटमेंट चेंज कर दिया था तो हम कन्फ्यूज़ हो जाते हैं तो पहला स्टेटमेंट जो है कि ये इट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ मैंग्रोव स्पेसीज एंड इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव इकोसिस्टम ये तो बिल्कुल सही है लेकिन जो दूसरा स्टेटमेंट वो गलत है तो भीतरकनिका का जो नेशनल पार्क है वो वेस्ट बंगाल में नहीं है इट इज़ इन ओरिसा याद रखिएगा तो इसका ऑप्शन वन सही है सिर्फ आज का क्वेश्चन देख लीजिए क्या है Which of the following statement is true about Prime Minister's Employment Generation Program (PMEGP)? Pehla statement hai it is implemented by Ministry of Finance, and the second statement is it is a major credit-linked subsidy program. आपको बताना है दोनों में से कौन सा statement सही है, गलत है. ध्यान से question को जरूर पढ़िएगा. Which of the following statement is or are true about Fame India Scheme? आपको पता होगा इसका answer. पहला statement है इट aims at promoting eco-friendly vehicle in the country. दूसरा स्टेटमेंट है इट इज़ बीग एडमिनिस्टोर्ड बाय द हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री आपने ध्यान से पढ़ा है तो आपको याद होगा और आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे सही आंसर बताएंगे और लास्ट क्वेश्चन है ई संवाद पोर्टल वॉज इम्प्लीमेंटेड बाय विच मिनिस्ट्री तो रेलवे मिनिस्ट्री है या फिर वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली एंड हेल्थ वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन जिसका भी सही आंसर लिखना है मिनिस्ट्री का नाम लिखेंगे कमेंट बॉक्स में कि, कि किस मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च uh, किया है या इम्प्लीमेंट किया है ठीक है तो थैंक यू थैंक यू वेरी मच फॉर बींग विद मी हेयर एंड फॉर वॉचिंग द डिस्कशन और आई रिक्वेस्ट यू पर्सनली कि प्लीज़ याद रखें चीज़ों को करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज़ है जो आपने सुना तो होगा बट आपको एक्जैक्टली exactly याद नहीं आएगा कि ये था कि नहीं इस वजह से जो भी मीन्स यूज़ करना है याद रखने के लिए आप याद करें अपना कोड बनाएं बार बार लिखें रिविज़न का एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स करें कैसे भी याद ज़रूर करें और आई एम ऑल्सो थिंकिंग कि जो हमारे पुराने वीडियोज़ हैं वहाँ पर हम जाके रिविज़न करें उसका मैं एक प्लान सोच रही हूँ कैसे हम लोग एक एक हफ्ते का डिस्कशन कर सकते हैं करंट का ताकि हमारा रिविजन हो पाए बट आपकी भी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप चीज़ों को याद रखें तो उससे हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है थैंक यू थैंक यू वेरी मच